हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है एन आयरन रॉड ऑफ ससेप्टिबिलिटी 599 इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1200 एम्पियर पर मीटर, देन वी हैव टू फाइंड द परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड। यहाँ पर जो वैक्यूम है, वैक्यूम की परमिबिलिटी दी गई है म्यू नॉट इज इक्वल टू 4π × 10⁻⁷। ठीक, तो हमें पता है कि जो परमिबिलिटी होता है किसी भी मीडियम का, उसको हम लोग लिखते हैं कि म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू नॉट क्या होता है, ये वैक्यूम की परमिबिलिटी होती है, और म्यू आर क्या होता है, ये किसी मीडियम का रिलेटिव परमिबिलिटी होता है। रिलेटिव परमिबिलिटी मतलब कि विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, है ना। इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट, और जो रिलेटिव परमिबिलिटी होता है वो होता है 1 + ससेप्टिबिलिटी, है ना। ये ससेप्टिबिलिटी हो गया। तो देखेंगे कि म्यू नॉट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 4π × 10⁻⁷, 1 + ससेप्टिबिलिटी दिया गया है 599। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4π × 600 × 10⁻⁷, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 24π × 10⁻⁵। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2.4π × 10⁻⁴। ठीक है, जो भी ऐसा यूनिट होगा वो ये आएगा। अब देखेंगे कि इसमें ऑप्शन में एक दिया गया है, सेकेंड ऑप्शन जो है इसमें एग्जैक्टली इतना ही वैल्यू दिया गया है 2.4π × 10⁻⁴। ठीक है, तो एक क्वांटिटी जो इसमें दिया था उसका यूज नहीं आया, जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड था उसकी वैल्यू जो है यहाँ पर यूज में नहीं आया, फिर भी हमने जो है आंसर को कैलकुलेट कर लिया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन